हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मलाई प्याज की रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप दो प्याज लें और उनको बड़े बड़े पीस में ही काटें। एक टमाटर, एक चम्मच दही और मलाई, इसमें आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, हींग, राई, एक चम्मच थोड़ी सी अदरक, एक आधा चम्मच जीरा, तेज पत्ता दो और दो लाल मिर्च। कढ़ाई में मैंने 2 स्पून तेल डाल दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे और लौंग, धनिया पाउडर, हल्दी, अदरक, सरसों, हींग। मसालों को धीमी आंच पे भूनेंगे। अगर तेज आंच पे भूनेंगे तो ये मसाले हमारे जल जाएंगे। 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, इसे धीमी आंच पे हम भून लेंगे। मसाले अब भून गए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर तक हम भूनेंगे। प्याज मेरा भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। मेरी सब्जी बन गई है। टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे। और मलाई डालेंगे। अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डालें इसमें। ऊपर से हम इसमें धनिया डाल देंगे। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च। सब्जी तैयार हो गई है। अब इस गैस बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल देते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।